Hey guys, welcome back to Travel Cupcakes. तो हमें आपके प्यार से कपकेक्स देवा एंड उफन. सो हम एक वीडियो आज जो रिएक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी थोड़ा दुख भरा इंडिया के लिए आज क्योंकि इंडिया मैच हार गई पाकिस्तान से. कल मैंने पूरा मतलब पूरा टाइम निकाल के पूरा 4 घंटे मैंने मैच देखी और बस लास्ट में एक बॉल से मतलब क्या हुआ, मतलब क्यों हुआ है ऐसा हो गया, ये हार गए. वो कैच ड्रॉप नहीं किया होता तो बच जाते, है ना. ऊपर मैं तो देखा ना कैच ड्रॉप किया से. हाँ. तेरे क्या रिएक्शन था तेरा? ऐसे हार जीत तो लगी रहती है लेकिन थोड़ा गुस्सा आ गया था देख के, क्योंकि ऐसे कैसे कैच छूट जाती है. मतलब मैं वो सोच रहा हूँ कि ऐसे मतलब पपलू जैसा कैच आया और ऐसे छोड़ दिया बस, है ना. वो रोहित शर्मा को देखा कैसे गुस्सा गया था. मैं सब सब्सक्राइबर जो भी देखेंगे वीडियो, आप सबको एक बात बता दूं कि अगर वो कैच हो जाता तो इंडिया शायद जीत जाती आज. हाँ. कल जीत जाती मैच में. तो ठीक है, बहुत कांटे की टक्कर हुई और कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, बहुत अच्छे से खेले भी और बॉलिंग भी अच्छी की और सब कुछ अच्छा था. ठीक है, जीत गए. तो चलो अब अगले शायद फाइनल में हम मिलेंगे. तो और ये वीडियो है तो हम रिएक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है. ठीक है, जीतने पे. फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो है, इसे वीडियो की तरह ही लेना. yes. हार जीत चलती रहती है. इससे पहले वाली मैच हम जीते थे और आप हारे थे, अब आप जीते हैं हम हारे हैं, तो इसी में तो मजा है, ये खेल है. ये कभी और थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए अगेन आई एम वेयरिंग ग्रीन. हाँ. सो लास्ट टाइम इंडिया की टी शर्ट इस पर थोड़ा आपका कलर मैंने पहन लिया है. ठीक है, मेरा फेवरेट कलर भी ग्रीन ही है, बट ठीक है. तो क्या बोल रही थी? ठीक है, बस फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. जीत गए भाई, जीत गए. अब आया ना मजा जब मैच होता है इतना क्लोज और ऊपर से आप जीत भी जाएं, तब होता है डबल किस्म का मजा. और बिल्कुल उसी तरह की जीत हमने खाई है जिस तरह की हमने हार खाई थी पिछले हफ्ते संडे को. लास्ट ओवर के ऊपर गेम चली गई थी, उसके बाद बात फिर जो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई फर्क आया तो वो आया सिर्फ और सिर्फ स्वैग का, जो कि मेरे पांडू का था, जो कि कहता भाई है ना भाई है, वो कर लेगा भाई है, वो कर लेगा. हमारे बॉयज ने उस तरह नहीं किया था, हालांकि मैं स्क्रीन के पीछे बैठ के कह रहा था कि भाई है यार, हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वैग जो है वो सब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता ना. सर मेरे पांडू का स्वैग होता है, उसी से याद है कि मेरे पांडू को इतनी मार पड़ गई यार इस मैच के, सारा का सारा स्वैग मेरे दोस्त का निकल गया. एक तो 0 के ऊपर आउट हो गया, ऊपर से पहले ओवर के अंदर ही आपने कुछ 14 रन खा लिए मेरे दोस्त ने. खैर पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जिस मर्जी टीम के खिलाफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड में आते आते तक आपका जो ऑडियंस है ना उनका बीपी लो ना हो गया. वो बेचारे जो है पड़े हुए मुँह से झाग निकल रही, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ, कोई मासूम उधर चीखे मार रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, इसकी बुरी हालत हुई भी थी. एंड में मैच फंसाना हमने होता ही है, पूरा मैच हो चुका है. और मुझे जेन्युइनली अगर किसी बंदे की फिक्र है ना तो वो इस मासूम अर्शदीप की है यार, इसके साथ क्या हो रहा होगा. जो इनकी जमीन मैं 2001 की एक वीडियो उठा के जो अभी तक उसके ऊपर जोक्स मार रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टीवी टूट जाएगी, पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे. यार हमारे घर के अंदर 4 से 5 टीवी पड़े होते हैं, हम तो ऐसे ही तोड़ रहे होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ. वैसे भी यहाँ के लोग जो है वो मीडिया पे आने के लिए इतने ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा ओछे हो जाते हैं कि वो टीवी क्या है, वो तो बीवी को भी तोड़ना शुरू हो जाएगी. जब भी कोई न्यूज चैनल वाला आता है ना तो उसके सामने स्टाइल मारने के लिए तोड़ना शुरू हो जाते हैं, मजाक कराने के लिए भी तोड़ रहे होते हैं, तो वो इस सिस्टम के चक्कर हो रहे होते हैं. और कोई इतना सीरियस नहीं है, लेकिन उसी जोक को पेल पेल के जो है ना बहुत ही ज्यादा घिसा दिया आप लोगों ने. मुझे जो असल में टेंशन हो रही है वो इस चीज़ की हो रही है कि असल जज्बाती तो इनके फैंस हैं, इन्होंने जो इस मासूम के साथ अभी करना है ना, मैं अभी से ही गैस करके बता सकता हूँ कि इसके घर के ऊपर ही पथराव हो जाना और पता नहीं क्या कुछ हो जाना, इसके पुतले भी जला दोगे तुम लोग. एक कैच मासूम ने छोड़ दिया हमारे इधर, फखर देखो यार कैसे डीट बन के जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहा था मिस फील्डिंग वगैरह ये वो तो कैचेस छोड़ के ऊपर नहीं उछाल उछाल के छक्के भी दे रहा था कि पीछे जाओ छक्का भी हो जाए. बाद में कहता क्या हो गया, बस हो गया ना, बस हो गया, स्क्रीन के ऊपर मुकर के कह रहा था हमारा दोस्त इस तरह होते हमारे डीट, हम माफ भी कर देंगे उसको. खैर इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो ये अर्शदीप के साथ मासूम के साथ जो हरकतें हो रही हैं वो उसकी वीडियो लीक हो चुकी है. ये देख लें आप लोग क्या हो रहा है उसके साथ. लेटेस्ट खबरें ये हैं कि अभी से उसको गालियां पड़ना शुरू हो चुकी है. अभी मैच खत्म हुआ और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ और वो जो भज्जी है उसकी ट्वीट भी आ गई, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है, वो बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर है. वो डिफेंस में आना शुरू हो गया क्योंकि उस मासूम की जिंदगी अजाब हो गई. सब इंडियंस जो है वो इस मासूम अर्शदीप को गालियां देने के अंदर बिजी है. कोई भी जो है ना इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि भूवी ने कोई पता नहीं 19-20 रन का ओवर करा दिया था 19th ओवर जो था. वैसे कोई कमाल का भाईचारा शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. उनका जो है वो भूमि इंजर हुआ है तो यहाँ पे शाहीन साहब भी जो है वो बैठ गए हैं, उधर उनका जडेजा इंजर हुआ है तो यहाँ पे धानी साहब भी जो है वो भी बैठ गए.
का जो है वो अर्शदीप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं तो हमारा भी फखर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू हो गया। हमने जो है ना पूरे का पूरा भाईचारा जो है वो बैलेंस किया। फखर भाई की जो हरकत थी ना इस मैच के अंदर वो बहुत ही कमाल थी। सबसे पहले तो मैं उस कैच के बारे में बात करूंगा जो कि पहले मैच के अंदर इन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था, उससे नसीम शाह के कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पड़ा होगा और उसके बाद वो गेम कहां से कहां पहुंची होती। अगर एक पहले ओवर के अंदर दो इंडियन आउट हो चुके होते, प्रेशर सिचुएशन ही कुछ और होती, वो भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था। और आज भी उन्होंने हरकतें की हैं। जब रोहित शर्मा हमें पेल रहा था, चारों तरफ छक्के मार रहा था, उसके बाद इन्होंने हरकत की है। कुछ दिल की भी आंखें बंद है और ये भाई जो है उसके गले के अंदर हाथ डाल के बॉल निकालने की कोशिश कर रही थी, पकड़ने लगा। और एंड में हरकत इन्होंने क्या की, उस मासूम ने तो बस यूं हाथ किए हुए थे ना, बैट्समैन को पता चल रहा है क्या हो रहा है ना, पता चल रहा है क्या हो रहा है, बस बॉल खुद ही जो है उसके हाथों के अंदर चिमट गई। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब शादी जो है वो फखर की हो रही है और औलाद जो है वो खुश दिल की गोद में गिर रही है। लेकिन एंड में जो वो रूफी मासूम है उसने अपना जो है फेफड़े मासूम के बाहर निकले, फुल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ, उसके बाद लाइसेंस है कि उसने 36 रन का ओवर निकालना है इस वक्त और उसको डॉट बॉलें करा रहा है, ऊपर से उसको आउट भी कर दिया है। उसके बाद जो तूने हरकत की है भाई, दो बॉलों के ऊपर दो चौके दे दिए, दोनों मिस फील्डिंग की दिए, एक तो कैचेबल के दे, वो एक रन दो रन का ओवर था, दो आउट भी थे उस मासूम के। वो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही नेक्स्ट मैच में भी जाता तो क्या जबरदस्त एक सूरत हाल बन जाती। उसका कॉन्फिडेंस भी तूने मार दिया, ऊपर से 8 रन तूने पढ़वा दिया यार, हद ही होगी बेशर्मी की। और ये जो है ना इसी तरह जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसी के साथ हम इसको साथ लेके चल रहा हूँ, आगे भी जा रहा है। फिर मैंने कहा चलो बैटिंग अंदर आगे कुछ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उसने 200 की तो नहीं मारी, उसने 20 की स्ट्राइक रेट के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स खेल ली, ऊपर से मैच जो है वो इंडिया के हाथ में दे दिया, आउट भी हो गया। अच्छा फिर जो आउट भी हुए वो इस तरह के हुए कि बहुत उन्होंने उठाई है तो ऊपर जब जा रही है और उसने जब कैच पकड़ लिया तो परेशान होकर देख रहे फील्डर को, ये इस तरह कैच थोड़ी होता है, हमने तो ये रूल सेट किए हुए थे कि जी बॉल उठा के जो है चौके करने थे, भाई ये कोई रूल नहीं होती, ये तेरे ही रूल। ऐसे मासूम ने जो कैच ड्रॉप किया था ना यार, उससे पहले मेरा ख्याल में डेढ़ एक घंटा लिया था थर्ड अंपायर ने, वो जो आसिफ अली का जो वो स्निको के ऊपर आ रहा था, वो रोहित शर्मा तो वैसे भी कोई मेंटल हो गया था, पर तो हर्षदीप के ऊपर ये पागल हो गया था, उसके बाद आउट होता, उसके तो पूरा इंडिया पागल हो गया था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है वो अंपायरों के ऊपर भी जाके उनसे भी लड़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लड़ रहा है कि भाई ये कौन सा यार, ये कौन सा स्निकोमीटर के अंदर जो पहला मैच हुआ था ना एशिया कप का, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी किस्म का आउट दे दिया था। मैंने को पिछली दो एपिसोड पहले इसी के बारे में बात की हुई थी कि यार इतनी जो मूवमेंट होती है ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर, ये तो जो बैट्समैन होता है उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाजों से इतनी मूवमेंट आ जाती है, इसके ऊपर कौन सा आउट बनता है, इसके ऊपर भी सोच रहे थे कि आउट है कि नहीं यार, हद हो गई क्योंकि हरकत क्या थी इसके ऊपर जो इतना टाइम ले रहे थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि भाई इसके ऊपर आउट दे, डेढ़ घंटा उन्होंने लगाया इसके ऊपर नॉट आउट दे दिया। उसके बाद आसिफ भाई ने जो शॉट ये खेल ली, शुक्र अर्शदीप भाई जो हमारी साइड पे थे तो उन्होंने वो कैच पकड़ानी, नहीं तो गेम उधर जो है बिल्कुल ही पलट गई है। जो भी और स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसके अंदर जो शर्मा ने और केएल राहुल ने इनिंग्स खेली थी, हमारे जितने भी बॉयज हैं उनके जो है वो लग पता गया था कि भाई किसकी विकेट बैटिंग है। हम बहुत ही ज्यादा थोड़े ओवर हो जाते हैं, एक दो दफा हमने उनको आउट क्या कर दिया तो हम समझते हैं कि कल के बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ी उम्रों से खेल रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के दिन आए हैं और उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाके बैटिंग करके। तो उन्होंने आज वो दिखा भी दिया इस मैच के अंदर कि भाई किस तरह बैटिंग होती है और हमारे बच्चे जो है उनके हाथ पांव फूल गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मैं इसीलिए भाई कह रहा था कि हसन अली को रख लो कम से कम, उसके पास एक्सपीरियंस तो है ना जो हसनैन मासूम के साथ हुआ, ज्यादा से ज्यादा यही देना था। लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर है, लोगों ने जो उसकी मीम बनाने थे, ये करना था वो करना था, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वही डर रही थी कि भाई ये हम इसको अगर रख लिया उसने मार खा ली तो हमारी तो जान खा जाएंगे। क्या हसनैन को कभी रखा भाई यार, कोई ये कुछ छोटे मैचेस नहीं होते इंडिया वाले, क्रूशल मैचेस होते हैं, नर्व्स वाले होते हैं, इसके अंदर जो है उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस है। अगर वो खुद बॉलिंग नहीं भी कराता तो वो रूफी को या किसी और नसीम वगैरह को कोई अच्छी टिप भी देते थे कि भाई इधर बॉल करा, इसकी ये वीकनेस है या इस पिच के ऊपर यहाँ पे पिच करनी चाहिए। अगर उससे नहीं भी हो रही बाज़ वक़्त आपके दिमाग में तो चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप किसी और को अच्छा मशवरा ही दे देते हैं। हसनैन ने क्या मशवरे देने होंगे बाकियों को, वो तो खुद मशवरे मांग रहा होगा, कुट्टे खा खा के मासूम की बुरी हालत हुई हुई थी, ठीक है उसमें भी टैलेंट है, लेकिन इस किस्म के मैचेस के ऊपर आप नहीं रख सकते। दूसरा हसन अली को मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, खुदा के लिए टीम के अंदर रख दो, इसने एक एक करके सबको इंजर कर दिया, वो इतनी कुछ स्ट्रीक के ऊपर गया है, सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो डरना शुरू हो गए, वो कमरों के अंदर कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए होते हैं, उनको यही डर होता है कि भाई नहीं ना आ जा, कोड वर्ड उन्होंने रख दिए, दरवाजे ही नहीं खोलते हैं जब तक कोड वर्ड वो बोलेगा नहीं बाहर, तब तक हम डर रहे हैं इससे कि कभी भी घुस के किसी को भी इंजर कर सकते हैं। इसको ना रोका ना तो इसने जाके इंडियन प्लेयर्स को भी मारना शुरू कर देना, ये भी बिल्कुल साइको हो चुका है भाई, इसको टीम में रख लो किसी तरह। खैर कोई बेहतरीन किस्म का कम बैक किया हमारे स्पिनर्स ने जो किया, उसके अंदर नवाज और शादाब की क्या ही बात करूँ, एक तो विकेट तो ली, उसके बाद स्कोर रोका है, ये तो आखिरी ओवर के अंदर कोई उन्होंने 10 रन मजीद हमने खा लिए थे फखर साहब की वजह से, वरना ये जो स्कोर था ये कोई भी स्कोर नहीं था जिस तरह इनका स्टार्ट था, कम से कम 200 पे जा रहे थे, कम से कम अभी भी जो है वो 20 रन शॉर्ट थे 10 रन खाने के बावजूद आखिरी ओवर में, तब कोई 30 रन एक शॉर्ट हो जाते अगर वो भी पीछे होता, सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे स्पिनर्स को। क्या कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किए बॉयज। और नवाज ने तो फिर उसके बाद जो इनिंग्स भी आके खेली है यार, मतलब बॉलिंग नहीं उसने इनिंग्स भी, वो खानदान के अंदर एक हमेशा एक बच्चा होता है जो हमेशा से नालायक रहा होता है, उससे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं होती ना ग्रेट, बाकी बच्चे जो बड़े ग्रेट से लाग रहे होते हैं
अपनी तरफ से जो है बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं और बहुत लोग जो उनकी मिसालें दे रहे होते हैं, ये एक कोई कोने में बैठा होता है जो कहें भी लिफंटर किस्म का होता है, नालायक सा होता है और ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, इस तरह की चीज़ बनाता है, लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है, ये बिल्कुल वही बनता है, इससे ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं होती लोगों को, और ये बहुत ही कोई कमाल किस्म का, इसकी सबसे जो हाईली अंडर रेटेड हमारे इस वक्त बॉलर है ना वो नवाज़ है, बेहतरीन थिंकिंग हेड है, सोच के ये बॉलिंग करा रहा होता है, बेहतरीन इसके ओवर निकलते हैं लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ्लेयर नहीं है और उस तरह जो लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, इनको क्रिकेट समझ नहीं होती, सबसे बेहतरीन इस वक्त बॉलर जो है ना हमारे पास नवाज ही है, ऊपर से बैटिंग के अंदर ही बहुत सॉलिड किस्म की बैटिंग कर लेता है, आज इसको ऊपर भेजा इसने आके पूरी तरह से उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर दिया, वो मूव जो है ना इस किस्म की मूव्स की भी तारीफ करनी चाहिए कि इसको ऊपर भेजा है तो ये किसी का डिसीजन है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने किया है, कप्तान ने किया, जिसने भी किया उनकी तारीफ करना भी बहुत ही ज़रूरी है जिन्होंने ये मूव करके इसको ऊपर भेजा। वो मैंने ट्वीट भी की थी कि बाबर की फॉर्म जो है ना वो खोली नहीं चोरी की, नवाज ने चोरी कर ली भाई, भाई वाह। पर इंडियन मासूम जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना के आया था कि बाबर को किस तरह काउंटर करना है, बाबर को किस तरह आउट कर देना है, और उन्होंने बाबर को आउट कर भी दिया, लेकिन वो भूल गए कि हमारे पास T20 का नंबर 2 रैंक्ड बैट्समैन भी है जो कि है रिजवान। खैर बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की है यार, मज़ा आ गया इसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है। आई डोंट नो बाबर के साथ साथ इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं लेकिन अल्लाह ही खैर करे हमारी कौम जो है, मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई चरस भी अच्छी क्वालिटी की नहीं पी रहे, कोई जंगली उगी हुई घास की जो है चरस बना के पीते हैं तभी उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गया, या फिर चूना जो है या फिर चौक होता है ना जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं उसकी लकीरें खींच के वो नाक से सुड़क रहे हैं, दिमाग हमारी पूरी कौम का ख़राब हो चुका है जो इन लोगों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। रैंकिंग के अंदर आप टॉप 2 के अंदर पकौड़े बेच के नहीं आ सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ आपने किया भाई होता है तभी आप रैंकिंग के अंदर आते हैं, तो आप चुप करके बैठ जाएं, कम से कम जो रैंकिंग में टॉप 2-3 के अंदर आए हैं जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनकी वजह से इज्जत हो रही है हमारी, बाकी कोई नहीं, टीम जो है वो इसी तरह जीती थी, 50-60% हमारी विन परसेंटेज रही है पिछले कोई 15-20 बल्कि 30-40 सालों से, ये इस किस्म के लेजेंड्स आते हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत बनती है टीम की। खैर अभी मैं कह रहा हूँ, मैं पहले भी एक दो वीडियो से अंदर कह चुका हूँ कि खुदा के लिए इसको अब रेस्ट दे देना भाई, आप लोग इसको पिछले 2-3 साल से रगड़ रहे हैं क्योंकि उसने तो कहना कि हाँ जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खेलूँगा और फिट होगा भी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी सी अकल यूज़ करें, सरफराज को डाल दें, किसी और कीपर को डालें, कुछ भी करें, अभी इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है इसको मत खिलाएं भाई, बड़े टूर्नामेंट के लिए इसको बचा के रखें, ऐसे प्लेयर्स रोज़ाना नहीं आते, नर्व्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं, इस किस्म के मैचेस के अंदर इस किस्म की इनिंग्स ऐसे ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। खैर ये होती है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जिसके बारे में हम हर वक्त रोते रहते हैं कि यार जीतना हारना और बात होती है, फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए, कोई राइवलरी का मज़ा तो है ना, इंडियंस बेशक हारे हैं लेकिन वो भी कहेंगे कि बाकी आखिरी ओवर तक मैच फंसा हुआ था और हमें मज़ा आया, पिछला मैच भी इसी तरह था कि आखिरी ओवर तक गया हुआ था, हमें भी मज़ा आ रहा था, लो स्कोरिंग था, हमने कम स्कोर किया था, इसमें तो स्कोर भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ था और हमारी जो है बैटिंग वैसे भी हम सबको पता है कि किस किस्म की है, तो बेहतरीन किस्म की क्रिकेट हुआ और यही क्रिकेट जो है बहुत ज़रूरत भी है क्रिकेट वर्ल्ड को, आप सोचें कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है अगर इसी को हम लोग कैश करें, इस चीज़ को एशेज की तरह हम लोग करें, हर साल में एक दफ़ा हमारे जो है 5 या 7 मैचेस की T20 की सीरीज़ हो, उसके बाद एक टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो, साल में एक दफ़ा या हर दफ़ा हो, ODI को रहने दे बेशक, यही सिर्फ कर लें और अपनी लीग्स ही खेलते रहें तो इतने पैसे इस रीजन में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे कि और कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती, गोरे वहाँ पर जो है ना जो NFL और पता नहीं NBA वगैरह को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं वो भी इधर घुस के एप्पल और इस तरह के ब्रांड्स आ रहे होंगे जो कि हमारी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा मेला लगा हुआ है इसके अंदर किसी तरह पैसे लगाओ, और ऐसा भी नहीं है कि हमको एक दूसरे को चाटने भाई, जो एक दूसरे के साथ खोते की तरह लड़ रहे हो ना, कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हो वही लड़ो, लेकिन ग्राउंड के अंदर लड़ो, इसको कैश करो, इसी हेटरेट को, इसी लड़ाई को, इसी को कैश कर लो, धंधा ही कर लो भाई, हम कौन सा कह रहे हैं कि चूमना शुरू हो जाओ और एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्तियां करके बैठ जाओ, जो राइवलरी बनाई हुई है जो इतने अरसे से जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो है वो कायम है अपनी अपनी जगहों के ऊपर, उनसे बहुत खतरा है हमें वो कि हम पर अटैक ना कर लें, जैसे ही उनके ऊपर अपनी बात आने लगती तो वो फौरन तोपे जो है उधर मोड़ लेती हैं आवाम की, वो देखो जी इंडिया ने ये कर लिया, वो देखो जी पाकिस्तान ने ये कर लिया, हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं, वही हरकतें रखें, उसी तरह की लड़ाइयाँ रखें ग्राउंड के अंदर रखें, प्रोफेशनल और ब्रांड्स को भी बीच में लें ताकि कम से कम इसी लड़ाई से जैसे हम लड़ लड़ के उनका फायदा कर रहे हैं इतने अरसे से जो उनकी पूरी मार्केट है वेपन्स की और ये सब चीज़ें टैंक वैंक जो है वो किसी को तो उन्होंने बेच रहे हैं ना, हमें ही बेचेंगे ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, ऑर्गन को खरीदेंगे, कितने आपके ख्याल में इस वक्त कस्टमर्स हैं आपके, इतना बड़ा क्लाइंट है उनका, वो क्यों चाहेंगे कि इनमें अमन हो जाए, इनमें पीस हो जाए और ये लोग जो है हमारी खरीदारी ना करें, तो यार ये रहेगा इसकी राइवलरी को उन्हीं के ऊपर उल्टा पेंतरा खेलो, क्रिकेट ले आओ बाकी स्पोर्ट्स भी ले आओ, इस किस्म की राइवलरी करो ताकि कम से कम उसी चीज जो उन्होंने बनाई हुई है उसकी वजह से हमको रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू हो जाए और दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। अच्छा लोग अब कुछ ये भी सोच रहे हैं कि यार ये पहले भी तो हुआ करता था तो उस वक्त हमारे मुल्कों के हालात क्यों नहीं बदल गए, तब भी तो पाकिस्तान और इंडिया की इतनी राइवलरी होती थी क्रिकेट थी, तो भाई उस वक्त जो है ना वो दूरदर्शन और PTV हुआ करता था, एक एक चैनल था, अब जमाना बदल चुका है, अब आ चुका है सोशल मीडिया, अब आ चुके हैं आपके प्राइवेट तकरीबन 300-300 चैनल्स होते हैं, अब आपको कोई आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी हाइप बन सकती है इन सब चीज़ों की। खैर मेरी कौन सुनता है भाई, आपस में लड़ते रहो, जो कर रहे हो उसी तरह करते रहो, इसी तरह ख्वार होते जाएंगे, हम गोरों के नीचे ही लगे रहेंगे इसी तरह ही
बट जो भी हो, ये जो टाइम कट ऑफ होता है स्लो ओवर रेट की वजह से, यार ये क्या बला है? मेरा ख्याल में तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल में इंडिया को पेनल्टी लगी है इस मैच के अंदर, लेकिन ये होना नहीं चाहिए यार। एक एक बॉलर जो है उसने छः डॉट्स अगर करा दिए तो वो तो जल्दी ओवर ख़त्म हो गए। ये स्पिनर जो है वो जल्दी ओवर ख़त्म हो गया। एक फास्ट बॉलर है जिसको छः के छः छक्के पड़ रहे हैं, रोहित शर्मा वगैरह जो इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, डेढ़ डेढ़ मिनट तो लगता है बॉल को लाने में लगने में लग रहा है। ऊपर से हमारे प्लेयर जो है उनको क्रैम पड़े हुए ज़मीन के ऊपर लेटे रो रहे हैं, और इधर जो है वो टाइमर जो है वो नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये किस किस का बकवास रूल है। T20 वैसे भी छोटा है, जो जिन चीज़ों को छोटे करने की ज़रूरत है उधर कर नहीं रहे हो, और जो वैसे छोटा फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम सब खुश हैं उसको मज़ीद छोटा करने के लिए अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। खैर कोहली सर जो है उसके बारे में सब रो रहे थे, उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके अंदर ही फ़खर साहब को ही हमें वो करना चाहिए, जब वो पहले मैच के अंदर ही आके उन्होंने जो वो इतनी बाहर से जाती हुई बॉल को किया था, टच किया था और कैच जा रहा था, उन्होंने छोड़ दिया था। तो बड़ी मेहरबानी हो फ़खर भाई, आपने जो है वो गिफ्ट कर दिया है। वही मैं जो हम उस वक्त से कह रहे थे, पता नहीं कितनी वीडियो से हम कह रहे थे कि जो फॉर्म आनी है ना वो एशिया कप में ही आनी है, पाकिस्तान के खिलाफ ही आनी, वो तभी आ गई थी। उससे आई, उसके बाद हांगकॉन्ग के खिलाफ उन्होंने कर लिया और इस वर्ल्ड इंडीज खेली, बट दिस इज इट। इससे बेहतर वो कभी भी नहीं खेल रहा था जब अपने प्राइम के ऊपर भी था। अभी इसको ओडिया में छोड़ दो तो ये सेंचुरी भी मार देगा, अभी तो उसके बाद बॉलें नहीं थी इसलिए उसने इनिंग खेली। उसकी फॉर्म वापस आ चुकी है, और ये फॉर्म वापस आई भी इसीलिए जब उसने बाबर के साथ जो है वो जरसूमा एक्सचेंज किया था, जो इन्होंने हाथ हाथ मल लिए थे आपस में। बाबर को भी चाहिए कि अब वो जो जरसूमा है ना वो किसी और को दे दे, उसको चाहिए कि वो फ़खर को दे दे। वैसे फ़खर की तो वैसी कोई फॉर्म नहीं, तो पता नहीं उसको क्या हो, उस पर कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ चक्कर हो जाएगा। बाबर भाई के ऊपर जो है शॉट्स तो फिर भी एक दो ठीक ही चल रही थी, लेकिन बहुत ही कुछ सॉफ्ट किस्म के डिसमिसल्स हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। लेकिन कम अज़ कम इसे एक चीज़ तो नज़र आ गई कि चलें ठीक है, अगर आप आउट हो भी जाएँ तो पीछे को बंदे हैं जो कि मैच को संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे ये लग रहा था ये इसी प्रेशर में खेल रहा था कि मैं आउट हो गया तो पीछे कोई भी नहीं है। चलो भाई इस किस्म की इनिंग्स होनी चाहिए ताकि इसको ये पता चल जाए कि पीछे भी लोग हैं जो कि इनिंग्स खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं मैचेस। सबसे बड़ी बात तो ये कि शर्मा जी जो है वो इस दफा के मैच के अंदर टॉस हार गए थे, इसी वजह से हमें को फायदा मिल गया था, क्योंकि हमने पहले बैटिंग करके तो फिर कंफ्यूज रहा था कि इनको हमने कितने का टारगेट देना है। उसी पैनिक बटन के अंदर जो है हम सब आउट होना शुरू हो रहे थे कि ज्यादा हो रहे हैं या कम तो नहीं हो गए कहीं ज्यादा, तो वो बेहतर है कि हमने चेज ही कर लिया, इसी वजह से हम जीत गए, वरना हमें कोई आइडिया नहीं होता था हमने कितने रन बना करे। तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ था जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हुआ था, फिर एक नेल बाइटर था जो कि श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश वालों ने उनके साथ पंगा लिया था, वो गुस्सा बाकी सब पे कर गए, खुद तो तुम लोग चले गए हो भाई, हमारे लिए जो है वो श्रीलंका को तुम लोगों ने वो सोता हुआ शेर था उसको उंगली आपने कर दी है, अब वो हम पे ऊपर धाड़ना शुरू हो गया भाई। ये मैच जो है ना आगे बहुत ज्यादा फंसे लगे, और मेरी अभी बात नोट कर रहे हैं कि ये बात जो है ना एंड के ऊपर आ जाएगी नेट रन रेट के ऊपर। तो आपने खाली जीतना ही नहीं है मैच, आपने अच्छे मार्जिन से भी जीतना है, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा खिचड़ी बनने लगी और फंसने लगा है। कोई ना कोई टीम मुझे लग रहा है कि नेट रन रेट के ऊपर ही बाहर निकल जाएगी, और वो बहुत ही अनलकी हो जाएगा उनके साथ। एक और सबसे बड़ी खबर ये भी कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया क्रिकेट में ओडीआई मैच के अंदर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के ऊपर उनकी फुल स्क्वाड टीम को। भाई जेन्युइनली खुशी होती है जब इस किस्म की छोटी टीम जो है वो किसी बड़ी टीम के साथ अपसेट कर देती है, स्पेशली अगर वो हम ना हो हमारे खिलाफ ही किसी से जीते हो तो बड़ी खुशी हो जाती है। ये बंदा जो है यार ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले उसने पता नहीं कोई पांच छक्के मारे थे और एक चौका मारा था, 34 रन का ओवर खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। अभी जो है वो फिर इसने कोई पता नहीं चार पांच विकेटें ले ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच के अंदर भी, और ये वही है वो जो गोंद के बारे में कह रहा था कि यार हमारे जूते फटे हुए तो हम गोंद लगा लगा के थक गए, हमें कोई स्पॉन्सर दे दे। मुझे पूरी यकीन है कि अभी जो है इस जीत के बाद भी इनको कोई स्पॉन्सर तो नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी चलो इंटरनेशनल ब्रांड जो है उनको चाहिए कि इसको स्पॉन्सर करना शुरू करें, क्योंकि बेहतरीन किस्म के क्रिकेट खेल रहे हैं जिम्बाब्वे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो यार देखो सब्सक्राइब के बटन को। तुम लोग अभी पिछली वीडियो के बारे में 60% लोगों ने देखी जो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है यार, ये मतलब एक हद होती है। खैर 24th of September को मैं आ रहा हूँ कनाडा टोरंटो के अंदर, हम अवार्ड्स हो रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इधर ही बता रहा हूँ आप लोगों को, टिकट्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर आएँ, CBR भी मुझे मिलो टोरंटो के अंदर आके, ठीक है ना। बस बातें बहुत हो गई कि इधर नहीं आते उधर नहीं आते, मीटअप नहीं करते, मैं आ रहा हूँ तो बाबा आके मिल भी लेना मेरे से। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। पता है कि लोग आते हैं और आपके वीडियोस देख के चले जाते हैं। हाँ बहुत लोग आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तो भूल गया था वीडियो चल रहा है, मैं तो सोच में था। अच्छी बात है ये बोलते हैं। बहुत एक तरफ सिल्वर बटन था एक तरफ गोल्डन बटन था। अच्छा अच्छे से सेटअप अच्छा किया है पूरा। अपन देखो क्या हंसी आ रही थी सब वो फोटोज जैसे रखे हुए थे ना कॉमेडी पिक्स से, तो हंसी आ रही थी देख के, मजा आ गई। वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन थी ये सारी बातें कि ये प्लेयर खेला ये नहीं खेला इंडिया के। हाँ बोलो। इंडिया के प्लेयर अर्शदीप जो ड्रॉप हुआ तो मीम्स तो बनने ही है, वो तो पाकिस्तान में भी बनेंगे इंडिया में भी बनेंगे, वो तो चलता रहता है कि वो एक बोलता है ना कॉमिक फन बोलते हैं उसको, कोई मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, और प्लेयर्स को प्लेयर्स भी इतना सीरियसली नहीं लेते। ठीक है थोड़ा गुस्सा आ जाता है
जैसे पाकिस्तान को उनका नहीं उड़ा रहे थे उनकी फकर वो दो तीन मतलब क्या बोलते फोर चली गई थी ना, दो फोर चली गई थी ऐसे ही मिस फील्ड की थी एक ड्रॉप कर दिया मिस फील्ड की, तो बहुत तो वीडियो दिखा रहे थे तो वो उसका मुंह दिखा रहे थे, फिर वीडियो दिखा रहे थे उसका मुंह दिखा रहे थे वो ग्राउंड पर, तो फिर वो फिर बोल रहा बस हो गया होगी तो ऐसे चलता रहता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती ना, तो कोई पाकिस्तान जीते इंडिया जीते कोई बात नहीं। और एक चीज़ अच्छी बोली कि दोनों को हर साल में एक बार सीरीज होनी चाहिए तो क्या पैसे बनते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी बोली कि नहीं सारे मतलब गोरों को मज़े नहीं दिलाना है हमें, तो हमें एक साथ आके हमें यूनिटी करके हमें पैसे कमाने हैं। हाँ। तो अच्छी चीज़ है कि हम भी कहीं जाके हम भी मैच देख सकते हैं, और वो राइवलरी वहाँ ग्राउंड पे मज़ा आती है, और लोग ऐसा नहीं है लोग हेटरेड फैलाते हैं वहाँ ग्राउंड पे गालियाँ देते हैं एक दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार भी होता है, फोटो क्लिक करते हैं एक दूसरे से, बातें करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो ये सब चलना चाहिए। सही बात। और हमने फर्स्ट टाइम इनके ऊपर वीडियो बनाई, तो कई बार हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होती है, तो पता इस वीडियो में पता नहीं चला कि इतनी बड़ी वीडियो थी और हमने हंसते हंसते इस वीडियो को खत्म किया, तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो में, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इनके ऊपर ये वीडियो बनाया है इनके चैनल के ऊपर, तो काफी मजा आई और काफी अच्छे से सेटअप भी किया हुआ है, एक तरफ सिल्वर बटन है एक तरफ गोल्डन बटन रखा है, तो बहुत अच्छा लगा। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हाँ, जरूर करना। हमें भी सब्सक्राइब लाइक शेयर धूम मचा दो। ठीक है चलिए चलते हैं अभी अगले रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी आपसे, देखते हैं फाइनल में इंडिया पाकिस्तान में बोलता हूँ आना चाहिए। ठीक है चलो बाय बाय।